नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज है दशहरा का दिन और आज होने वाला है माता जी का विसर्जन। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह हमारा शारदापुर का दुर्गा पंडाल है जहाँ पे माता जी को रखा गया था और आज होने वाला है विसर्जन। तो अभी उनको तो गाइस अभी उनको लोड किया जाएगा अभी गाड़ी में। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कितने सारे लोग हैं यहाँ पे जो कि विसर्जन में आए हुए हैं। और गाइस जिस टाइम ये सब लोड हो रहा था माता जी का, तो उसी टाइम एक दुखद न्यूज आता है कि जो नव दुर्गा समिति के जो मेंबर हैं उनके घर में किसी का डेथ हो जाता है। इसलिए यहाँ पे जो सारे साउंड सिस्टम है उनको कैंसिल कर दिया गया और सिर्फ माता जी को ऐसे ही विसर्जन किया जाएगा और जितने भी डीजे थे उनको कैंसिल कर दिया गया। तो गाइस अभी देखिए उनको किस प्रकार से किया जा रहा है। और गाइस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा किस प्रकार से विसर्जन किया जाता है, वो मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो गाइस हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सपनों की वो डोर टूटी, माँ बेटे से रूठी, मुरझाई मन की कली। नौ दिन माई, दसम दिन विदाई, विसर्जन माँ चली। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मूर्ति का लोडिंग है वो हो चुका है और अब हम लोग जाने वाले हैं विसर्जन के लिए। गाइज हम लोग अपने जहाँ पे विसर्जन किया जाएगा उस लोकेशन पे पहुँच गए हैं और यहाँ पे एक हमारे ही गांव में एक तालाब है। तो अभी ये जगह जो है उसको घुटरा पारा बोला जाता है और मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ तालाब को। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में एक तालाब है बड़ा सा, वहीं पे विसर्जन किया जाएगा। तो अभी पूजा वूजा होगा और आरती होगा, उसके बाद फिर विसर्जन किया जाएगा। तो वीडियो में आप बने रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं विसर्जन के लिए रेडी हो चुके हैं और पूजा वूजा कंप्लीट हो चुका है, आरती भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं विसर्जन के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं विसर्जन के लिए जाया जा रहा है और ये तालाब में हम लोग पहुँच चुके हैं। और गाइज देखना होगा कि किस प्रकार से विसर्जन किया जाता है। अकेले जाएंगे क्या? उठाइए, जय हो, बोलिए गणेश भगवान की जय। और गाइस विसर्जन करना कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ही कठिन काम होता है क्योंकि आपको सीधे पानी के अंदर जाना पड़ता है। और देख सकते हैं जो हमारे महाराज हैं उनका नाम शेषमणि पांडे है और ये किस प्रकार से अकेले ही मूर्तियों को विसर्जन कर रहे हैं। और ये काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ होता है और ये देखिए वो कितना अंदर तक चले गए हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे दूसरी मूर्ति को ले जाया जा रहा है और इसको कमलेश ले जा रहे हैं और ये भी अकेले ही उसको ले जा रहे हैं और देखते हैं कितना दूर जा पाते हैं। श्रद्धा का जखीरा हे माँ भजे नावली, नौ रात नौ दिन माई, दसम दिन विदाई, विसर्जन माँ चली।
तो गाइस अब टाइम है हमारे सबसे बड़े वाले मूर्ति का मतलब माता जी का विसर्जन करने का। और इस ये काफ़ी वजन है और काफ़ी वजन वाली मूर्ति है और ये देख सकते हैं इनको कितने लोग पकड़ के ला रहे हैं। और गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे बहुत ख़तरनाक जगह है क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा नीचे ढलान है और वहाँ से लाना पड़ रहा है और कितना डिफ़िकल्ट वाली बात है। और देखिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है उनको लाने में बट नामुमकिन नहीं है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए कि इनका किस प्रकार से विसर्जन होता है, काफ़ी मज़ेदार होगा इनको देखना। और विसर्जन माँ चली विसर्जन माँ चली विसर्जन माँ चली आंगन डगर घर सुना अजीर भैला रस हुई दसम दिन विदाई विसर्जन माँ चली तो गाइस फाइनली माता जी का विसर्जन हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।